चलिए अब शुरू करते हैं 13वां अध्याय, अशुद्ध वाक्य, करेक्ट सेंटेंस। बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। लड़का दौड़ रही है, लड़का दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है। इन चारे वाक्यों में से ये चौथा वाक्य ही हमारा शुद्ध है, बाकी हमारे अशुद्ध हैं। लड़की नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़की नाच रही है। इन चारों में से हमारा ये आखिरी वाला ही शुद्ध शब्द है, बाकी की सब हमारे अशुद्ध हैं। बाकी सभी वाक्यों में लिंग व वचन का सही प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अशुद्ध वाक्य हैं। चलिए आइए कुछ अशुद्ध वाक्य व उनका शुद्ध रूप देखते हैं। आज बुधवार का दिन है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आज बुधवार है। मैं आम खाया, इसका मैंने आम खाया। मैंने उसको उसको कहा, मैंने उससे कहा। तुमको उसका कार्य कर देना चाहिए, तुम्हें उसका कार्य कर देना चाहिए। बच्चों किताब निकालो, बच्चों किताब निकालो। कोयल डाली पर बैठी है, कोयल डाली पर बैठी है। इस तरीके से बच्चों ये अशुद्ध वाक्य हैं वा उनके शुद्ध वाक्य हैं, जो कि आपको ध्यान से पढ़ने हैं। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। इसमें हमें शुद्ध वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाना है व अशुद्ध वाक्यों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। इस तरीके से बच्चों आपको शुद्ध वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाना है व अशुद्ध वाक्यों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। नीचे हमारे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उनको हमें शुद्ध करके लिखना है। इसका क्या हो जाएगा? बतख अंडे देती है, वह रोते रोते हंसने लगा। पिताजी आप यहाँ बैठिए, किताबें अलमारी में रखी हैं, राम को आम काट कर खिलाओ, औरतें खाना बना रही हैं, मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है। इस तरीके से हमें इन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है।